हेलो भाईरो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और बिना टाइम वेस्ट करे बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है दो सेक्शंस में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 के ऊपर, फिर इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी कौवा का शॉर्ट ब्रेकडाउन भी करेंगे। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ ही महीनों में गुड्डू भैया की घर वापसी होने वाली है। वैसे रिलीज डेट तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, बट मेरे अकॉर्डिंग नवंबर 2024 तक सीजन 3 के सारे एपिसोड्स रिलीज हो ही जाएंगे। और इस छोटे से अनाउंसमेंट वीडियो से ये भी क्लियर है कि मिर्जापुर में हर किसी के सर पर खून सवार है। जहाँ गुड्डू भैया अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं, मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ भी चुके हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि कालीन भैया अभी जिंदा है भाई, और ये बंदा इस पूरी सीरीज का सबसे खतरनाक इंसान है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन मुन्ना भैया, जो अपने आप को अमर मानते हैं, इस सीजन में रिटर्न करेंगे या नहीं, ये एक सस्पेंस बन गया है। क्योंकि एक थ्योरी सामने आ रही है जो ऐसा बताती है कि मुन्ना भैया का दिल थोड़ा राइट लेफ्ट वाली साइड में कुछ था, तो चक्कर से वो भी जिंदा है। बाकी क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा दो और बंदे हैं जिनका अहम रोल सीजन 3 में होने वाला है। पहले हैं मिस्टर शरद, जिन्होंने सीजन 2 के एंड में अपना दिमाग चलाकर कालीन भैया को बचा लिया था, लेकिन इनका असली मकसद मिर्जापुर की गद्दी है, वो हम सभी जानते हैं। वही दूसरी ओर बड़े या यूं कहो छोटे, वैसे विजय वर्मा बोलना ज्यादा सही रहेगा, है ना, इस सीजन में कुछ करे ना करे लेकिन दूसरों के रास्ते में कांटा जरूर बनेंगे, और इन सभी बंदों को एक बंदी की टक्कर भी पड़ सकती है, गोलू गुप्ता। और हो लगता है एट लास्ट यही बंदी मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाए, जिसके चांसेस मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। बाकी मिर्जापुर सीजन 3 में क्या होने वाला है उसका हिंट तो ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुन्ना भैया के अलावा एक और बंदा है जिसने सबको चौंकाने का प्लान रेडी कर रखा है। अरे वही बंदा जिसने 2022 की विक्रम में रोलेक्स बनकर सबको चौंका दिया था, और फिर से एक और बार कौवा का अवतार लेकर सूर्य रिटर्न मोड ऑन करके बिल्कुल रेडी है। और कौवा का टीजर रिलीज होने से ये भी क्लियर है कि इसकी रिलीज डेट जल्दी ही डिस्क्लोज होने वाली है। बाकी एनिमल में लॉर्ड बॉबी की कम स्क्रीन टाइम से फैंस बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, बट कौवा में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बॉबी सर एज अ फुल फ्लेज विलन बनकर कौवा में सूर्य को बराबर एक ही टक्कर देने की तैयारी में है। वैसे तो रूमर्स ये भी हैं कि कौवा की स्टोरी हजारों लाखों साल के टाइम जंप्स के साथ दिखाई जाएगी, मतलब टाइम ट्रेवल वगैरह होगा, जो इसकी रिलीज हुए एक पोस्टर से समझ भी आता है। और अगर ये बात सही है तो ये भी हो सकता है कि कौवा के अगली टीजर में हमें प्रेजेंट टाइमलाइन की कुछ चीजें भी दिखाई जाए। बाकी मूवी के अंदर एक्शन टॉप नॉच होगा उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जितना खून खराबा सालार और एनिमल में था उससे कई ज्यादा ब्रूटल कौवा में होने वाला है, ये भी क्लियर है। और इसका सैंपल सूर्य ने जो हाथ पकड़ा हुआ है ना यहाँ पे, उससे साफ हो जाता है। बाकी टीजर के 2-3 पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किए वो ये थे कि इस सीन में 5 जादूगर जैसे लोग दिखाए गए हैं जो 5 ट्राइब्स का इशारा कर रहे हैं, जिसमें से एक ट्राइब कौवा मतलब सूर्य की होगी, दूसरी ट्राइब बॉबी मतलब उदेरन की होगी। अब इन दोनों ट्राइब्स के अंदर लड़ाई क्यों होगी वो तो अभी सस्पेंस है, बट मेरे अकॉर्डिंग इनको लड़ाने में या तो इस अंग्रेज का हाथ होगा या बाकी बची 3 ट्राइब्स में से कोई एक होगा। और अगर तुमने गौर किया हो तो इन 3 बची ट्राइब्स में से एक ट्राइब से कौवा यहाँ पर लड़ भी रहा है, जिनके हाथ पर ये ब्लू पेंट है, और यही ब्लू पेंट वाली ट्राइब कौवा के कुछ लोगों को मारकर यहाँ इकट्ठा भी कर रहे हैं। वैसे तो टीजर में और भी बहुत चीजें थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी खास नहीं लगी जिन पर कुछ चर्चा करी जाए, तो इसका यही मतलब है कि दैट्स ऑल आई हैव फॉर रियल टुडे। बाकी तुम सब कमेंट में जरूर बताना कि तुम सब इस साल रिलीज होने वाली कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मूव फॉर ऑल।